हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस वार्ता की और एक बार फिर से बताया कि 9 दिसंबर को पार्टी का स्थापना दिवस होने वाला है। भिवानी में इस बार कार्यक्रम होगा जिसके लिए काफी लोगों को निमंत्रित किया गया है। एमबीबीएस छात्रों के प्रदर्शन को लेकर डिप्टी सीएम कहते हैं कि सीएम ने एमबीबीएस छात्रों की मुख्य मांगें मान ली है। ऐसे में एमबीबीएस छात्रों को अपने काम पर वापस लौटना चाहिए। साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं से भी सवाल किए। जब मैं रोहतक गया था, सात इनके छात्र नेताओं से हुए थे। मेरे आगे उनने चार पॉइंट्स रखे थे। पहली चीज कि जब हम एमबीबीएस से एमडी और एमएस की ओर जाएंगे तो क्या हमारा बॉन्ड कैरी फॉरवर्ड होगा, और मुझे लगता है सीएम साहब ने उस पर कल सहमति दे दी। बल्कि उस केस के अंदर जब वो एमडी करेंगे तो वो पीरियड भी बॉन्ड के अंदर ट्रीटेड पीरियड के तौर पर काउंट होगा, जो कि उनकी बात की सहमति। दूसरी चीज 40 के आंकड़े को नीचे लाने की बात है। मैं तो सीएम साहब का धन्यवाद करता हूं कि एक बार हमने डिस्कशन करी और उनने कल सहमति जताई कि इसको कम कर 30 लाख कर दिया जाएगा, जो कि ऑप्टिमम 25 लाख रुपए ही बच्चे के ऊपर 25-23 लाख रुपए पड़ेगा। तीसरा विषय उनका था कि अगर गवर्नमेंट जॉब अश्योरिटी नहीं देती तो क्या बॉन्ड का बर्डन हमारे ऊपर तब रहेगा, और इस पर बड़ी अच्छी तरीके से कल निर्णय ले लिया गया है कि बॉन्ड का अगर गवर्नमेंट अश्योर्ड आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं दे पाती एक साल के अंदर अंदर, तो आपको बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट विल बेयर इट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस नहीं करते। तो मेयर को कल एक साथी पत्रकार ने पूछा था कि भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आ गई, मुझे तो ये भी नहीं पता यात्रा पहुंची कहां है। अब वो हरियाणा में किस डेट को घुसेगी तो कांग्रेस का इंटरनल डिसीजन है, और वो साथी हाउस में आएंगे या राहुल जी के साथ पैदल चलेंगे वो उनका इंटरनल डिसीजन है। हमारा तो क्योंकि 21 दिन का नोटिस देना है, आज 1 तारीख है, तो 1 के बाद 21 दिन कौन सी तारीख होती है, 22 होती है, तो हमने 22 को चुना। इसके अंदर कोई ये सोच के, और कैबिनेट की डेट तो कोई आज की तय नहीं थी, आज से 20-22 दिन पहले तय कर दी गई थी, तो ये तो नेचुरली चुनाव दिन है। और हमारा प्रयास रहता है गुड गवर्नेंस डे के आसपास विंटर सेशन बुलाया जाए। अब इसके ऊपर तो कांग्रेस के साथ ही विचार करें कि राहुल गांधी को 4 दिन यूपी और घुमा ले।